ऐसे तो वो मुझे मूर्ख बना देगा। ऐसे तो तुम सफल ही नहीं हो सकते हो। ऐसे तो हर कोई अमीर बन जाएगा। ऐसे तो तुम दुनिया जीत सकते हो। गाइज, क्या इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं? अगर नहीं तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में इस तरह से तो या ऐसे तो ये एक्सप्रेशन आए, तो आपको इंग्लिश में यूज करना है दिस वे। क्या यूज करना है? दिस वे। ओके, एग्जाम्पल देखिए। ऐसे तो वह मुझे मूर्ख बना देगा। दिस वे ही विल बिफूल मी। ऐसे तो तुम सफल नहीं हो सकते हो। दिस वे यू कैन नॉट सक्सीड। ऐसे तो हर कोई अमीर बन जाएगा। दिस वे एवरी वन विल बिकम रिच। ऐसे तो तुम दुनिया जीत सकते हो। यू कैन विन द वर्ल्ड दिस वे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए। ऐसे तो तुम मुझे कभी नहीं पा सकते हो। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। तू इसको छोड़, फटाफट मेरे पास आ। तू इसको छोड़, पहले अपने भाई से बात कर। अरे तू पापा को छोड़, पहले मुझसे ही मिल ले। पैसों को जाने दे, तू पहले हिसाब कर। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि इनको किस तरीके से बनाया जाएगा इंग्लिश में। देखिए, हमारा इंप्रेशन है तू इसको छोड़ या फिर तू इसको जाने दे। इसके लिए आप इंग्लिश यूज करते हो लेट इट बी। गाइज, कभी कभी हम इरिटेट होकर के ये बोल देते हैं ना, अरे इसको तू भाड़ में जाने दे, तू मुझे ये बता पहले। अरे इसको जाने दे यार, तू पहले ये बता कि मुझे करना क्या है। ऐसे करके सेंटेंस हम बोलते ही रहते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी में क्या क्या इंप्रेशन आए जिसके लिए आप लेट इट बी या फिर लेट इट गो का यूज कर सकते हो, है ना। तो आइए फटाफट एग्जांपल लेकर के समझते हैं। तू इसको छोड़, फटाफट मेरे पास आ। लेट इट बी, कम टू मी फास्ट। लेट इट बी, कम टू मी फास्ट। तू मुझे छोड़, पहले अपने भाई से बात कर। लेट मी बी, टॉक टू योर ब्रदर फर्स्ट। लेट मी बी, टॉक टू योर ब्रदर फर्स्ट। अरे तू पापा को छोड़, पहले मुझसे ही मिल ले। हे लेट डैडी गो, मीट मी फर्स्ट। हे लेट डैडी गो, मीट मी फर्स्ट। पैसों को जाने दे, तू पहले हिसाब कर। लेट मनी गो या फिर लेट मनी बी, मेक अकाउंट क्लियर फर्स्ट। लेट मनी गो, मेक अकाउंट क्लियर फर्स्ट। तू सबको जाने दे, बस अपने दिल की बात सुन। लेट ऑल गो या लेट ऑल बी, जस्ट लिसन टू योर हार्ट। लेट ऑल गो, जस्ट लिसन टू योर हार्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब एक सेंटेंस आपके लिए। तू सब कुछ छोड़, पहले अपने माँ बाप का ध्यान रख। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। मैं आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा। मैं अंतिम सांस तक तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। वह आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रहेगी। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं? अगर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक अपने आप पहुंचती रहें। देखिए, अगर अंतिम सांस तक या आखिरी सांस तक ये एक्सप्रेशन अगर हिंदी के सेंटेंस में आता है, तो आपको इसकी इंग्लिश बनानी है टिल माय लास्ट ब्रीथ। क्या बनाना है? टिल माय लास्ट ब्रीथ। देखिए, अब इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। मैं आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करता रहूँगा। आई विल रिमेन टू लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ। मैं अंतिम सांस तक तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। आई विल रिमेन टू सर्व यू टिल माई लास्ट ब्रीथ। वह आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रहेगी। टिल हर लास्ट ब्रीथ शी विल रिमेन टू रिमेम्बर यू। अब एक सेंटेंस आपके लिए। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करती रहूँगी। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। प्यार वो नहीं है जो तुम सोचते हो। प्यार बच्चों का खेल नहीं है। प्यार कोई फूलों की सेज नहीं है। प्यार सबके बस की बात नहीं है। प्यार सिर्फ वो तीन छोटे से शब्द नहीं है। गाइज, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें एडवांस वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे बच्चों का खेल, फूलों की सेज, बस की बात, ऐसे ही और वर्ड्स। तो इन सबको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा वो देखिए। प्यार वो नहीं है जो तुम सोचते हो। लव इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। प्यार कोई बच्चों का खेल नहीं है। लव इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। प्यार कोई फूलों की सेज नहीं है। लव इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। प्यार सबके बस की बात नहीं है। लव इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। प्यार सिर्फ वो तीन छोटे से शब्द नहीं है। लव इज़ नॉट ओनली दोज थ्री लिटिल वर्ड्स। प्यार कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज़ नहीं है। लव इज़ नॉट अ फ्री बी। अब एक सेंटेंस आपके लिए। प्यार कोई चार दिन की चांदनी वाली चीज़ नहीं है। गाइज, अगर आप बोलना चाहते हो जीत सकते हो तो जीतो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, रोक सकते हो तो रोक लो। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको किस तरीके से बोलेंगे, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। देखिए, कर सकते हो तो करो, डू इफ़ यू कैन।
जैसे मैंने यहाँ पे करने के लिए डू का यूज़ किया है, वैसे ही आप यहाँ पे वर्ब चेंज कर सकते हो। जीत सकते हो तो जीतो, विन इफ़ यू कैन, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, रन इफ़ यू कैन, रोक सकते हो तो रोक लो, स्टॉप इफ़ यू कैन, चल सकते हो तो चलो, मूव इफ़ यू कैन। है ना, बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, आपको इसको बस डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। सो डू इफ़ यू कैन। अब आपकी बारी, छत से कूद सकते हो तो कूदो, कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तुमसे बात करने का अपना ही मजा है, बारिश में नहाने का एक अलग ही मजा है, तुम्हारे साथ रहने का अपना ही मजा है, दोस्तों के साथ मस्ती करने का एक अलग ही मजा है। गाइस, क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं? तो चलिए जान लेते हैं कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे। देखिए, अपना ही मजा है या एक अलग ही मजा है, इसके लिए आप इंग्लिश यूज करेंगे हैज इट्स ऑन फील। क्या? हैज इट्स ऑन फील। अब देखिए एग्जाम्पल, तुमसे बात करने का अपना ही मजा है, टॉकिंग टू यू हैज इट्स ऑन फील। बारिश में नहाने का एक अलग ही मजा है, बाथिंग इन रेन हैज इट्स ऑन फील। तुम्हारे साथ रहने का एक अलग ही मजा है, बीइंग विद यू हैज इट्स ऑन फील, या फिर यूं कह सकते हैं लिविंग विद यू हैज इट्स ऑन फील। दोस्तों के साथ मस्ती करने का एक अलग ही मजा है, हैविंग फन विद फ्रेंड्स हैज इट्स ऑन फील। गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का भी एक अलग मजा है, हैविंग फ्रिटर्स विद हॉट टी हैज इट्स ऑन फील। हैविंग फ्रिटर्स विद हॉट टी हैज इट्स ऑन फील। टॉपर्स स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करने का एक अलग ही मजा है, सब्सक्राइबिंग टॉपर स्टडी सर्कल हैज इट्स ऑन फील। सब्सक्राइबिंग टॉपर स्टडी सर्कल हैज इट्स ऑन फील। तो गाइज, आई होप कि आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, अकेले रहने का भी अपना एक अलग ही मजा है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। वो हमेशा अपने में ही मग्न रहता है, मेरी माँ हमेशा सत्संग में ही लगी रहती है, मेरा बेटा हमेशा गेम खेलने में मस्त रहता है। गाइज, इन सेंटेंसेस में जिसमें मग्न रहता है या लगे रहना या मस्त रहना या व्यस्त रहना, ये जब भी एक्सप्रेशन आए तो आप इसको इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, मस्त रहना, मग्न रहना या लगे रहना या व्यस्त रहना, इस एक्सप्रेशन के लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं एंग्रोस्ड इन। क्या? एंग्रोस्ड इन। देखिए एग्जाम्पल, वो हमेशा अपने में ही मग्न रहता है, ही इज ऑलवेज एंग्रोस्ड इन हिमसेल्फ। मेरी माँ हमेशा सत्संग में लगी रहती है, माई मदर इज ऑलवेज एंग्रोस्ड इन सत्संग। मेरा बेटा हमेशा गेम खेलने में मस्त रहता है, माई सन इज ऑलवेज एंग्रोस्ड इन गेमिंग। मैं यहाँ किसी से कम नहीं हूँ, वह अपने समय में किसी से कम नहीं थी, मेरी बेटी कक्षा में किसी से पीछे नहीं है। गाइज, अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना नहीं आते हैं, ये जो किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं थी या किसी से पीछे नहीं है, इस तरह के एक्सप्रेशन को किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, जब भी हिंदी में एक्सप्रेशन आए किसी से कम नहीं या फिर किसी से पीछे नहीं, तो इसके लिए आप इंग्लिश का यूज करेंगे सेकेंड टू नन। क्या? सेकेंड टू नन। एग्जाम्पल देखो, समझ जाओगे। मैं यहाँ किसी से कम नहीं हूँ, आई एम सेकेंड टू नन हेयर, आई एम सेकेंड टू नन हेयर। वह अपने समय में किसी से कम नहीं थी, शी वॉज सेकेंड टू नन एट हर टाइम। मेरी बेटी कक्षा में किसी से पीछे नहीं है, माई डॉटर इज सेकेंड टू नन इन हर क्लास। अब एक सेंटेंस आपके लिए, हम किसी से कम नहीं है, कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। मुझे तुमको फोन करने का कोई शौक नहीं है, उसे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मुझे मौज मस्ती करने का शौक नहीं है। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। इसमें एक्सप्रेशन आया शौक नहीं है, तो इसके लिए कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर यूज होता है? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। शौक नहीं है के लिए आप यूज करते हैं नॉट फॉन्ड ऑफ। क्या? नॉट फॉन्ड ऑफ। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे तुमको फोन करने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग अ कॉल टू यू। उसे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ बींग विद यू। मुझे मौज मस्ती करने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हैविंग फन। उसे किसी चीज का शौक नहीं था, ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ एनीथिंग। मुझे बाहर जाने का जरा सा भी शौक नहीं है, आई एम नॉट एट ऑल फॉन्ड ऑफ आउटिंग। अब एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का शौक नहीं है, कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स।
एक बात तो पक्की है कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। एक बात तो पक्की है, तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं। एक बात तो पक्की है, तुम हो बेहद खूबसूरत। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं? देखिए, हिंदी के सेंटेंस में जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए, एक बात तो पक्की है, इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना है, वन थिंग इज श्योर। क्या यूज करना है? वन थिंग इज श्योर। एग्जाम्पल देखिए, एक बात तो पक्की है, तुम कभी सुधर नहीं सकते। वन थिंग इज श्योर, यू कैन नेवर इम्प्रूव। एक बात तो पक्की है, तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं। वन थिंग इज श्योर, योर आईज आर वेरी इंटॉक्सिकेटिंग। एक बात तो पक्की है, तुम हो बेहद खूबसूरत। वन थिंग इज श्योर, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। एक बात तो पक्की है, वो है बहुत शर्मीली। वन थिंग इज श्योर, शी इज वेरी शीपिश, या फिर आप वहां पर शाय भी यूज कर सकते हो, शी इज वेरी शाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।